नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया मॉडल का वीडियो लेके। ये एक नया मॉडल है, जो लेटेस्ट मॉडल अभी आ रहा है मार्केट में, वो पीसीबी है ये। चलिए देखते हैं कौन सा पीसीबी है। ये है आपका नियो पीसीबी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नियो एस्टर पीसीबी। देखिए और रीगल देखिए लिखा हुआ है विक्टर, नियो एस्टर विक्टर रीगल। ठीक है फ्रेंड्स, इसका पीसीबी है ये। कौन सा? यूवी प्लस यूएफ, बिना आरओ वाला है ये। यूवी प्लस यूएफ ये न्यू मॉडल का कंट्रोलर है। आज हम इस पे वीडियो बनाएंगे क्या फॉल्ट हुआ है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने इसका स्क्रू खोल रहे हैं। आप ऐसे स्क्रू खोल लें इसका और इसको ऐसे वापस निकालना है। ये निकला, ये अलग कर दिया हमने और इससे यहाँ पे एक स्विच होती है, इसे केयरफुली खोल लें। बस ये अलग, ये है आपका पीसीबी। तो हम जब इसे खोल रहे हैं तो हमें एक चीज दिख रहा है कि देखिए यहाँ पे एक असामान्य चीज दिख रहा है। क्या? कि ये जो एक कैपेसिटर है ये फूला हुआ है। देखिए ये जो कैपेसिटर है ये फूल गया है, देख सकते हैं आप। ये सब फ्लैट है, ये कैपेसिटर्स तीनों फ्लैट, ये दो फ्लैट, यहाँ पे तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं, तीनों में से ये दो फ्लैट है और ये फूला हुआ है, मतलब ये फिलहाल खराब है। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी इसको हम पावर देके भी देख लेते हैं। ये है इसका पावर सॉकेट और यहाँ पे हमें सोल्डर करना है क्योंकि हमारे पास सॉकेट नहीं है, तो हम सोल्डर कर लेते हैं वायर्स। ये एक वायर है, इसे हम सोल्डर कर लेते हैं। सोल्डर किया और यहाँ पे मैं इसको बता दूं आपका सारा था वायर्स का स्पेसिफिकेशंस। देखिए यहाँ पे इतने सारे वायर्स हैं। पहले तो ये वाला है, इसमें तीन एलईडी लगे हुए हैं, ये एलईडी है तीनों, और इसमें और ये एक सेट है इसका। ये क्या है? फ्लोट, ये फ्लोट स्विच है। इसको आपको क्या करना है, इसे बैक कर लेना है, इसको निकालिए वापस। ये जो प्लास्टिक का स्लीविंग्स इस पे दिया हुआ है इसको आपको निकालना है इस तरह, और ये निकल गया। अब इसको क्या करना है, ये फ्लोट है, देखिए फ्लोट स्विच है ये, इसको आपको इस तरह कर लेना है। देखिए लॉक इंटरलॉक कर देना है इसको, ये ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने खोल दिया, ये फिर से लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सेट हमारा काम खत्म हो गया। एक है एलईडी, एक है फ्लोट। एलईडी को कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपको इंडिकेशन आएगा पावर का, और ये है फ्लोट, इसको इस तरह शॉर्ट करके अलग कर दीजिए। दूसरी बात, और बाकी रही ये सेट, इस सेट में एक दो है, देखिए यूवी लैंप, ये है यूवी लैंप, यूवी लैंप, तो इस पे हम एक यूवी लैंप लगा देते हैं। देखिए ये लगा और एक ये यूवी लैंप लगा, इसको हम अलग रख देते हैं और इस यूवी लैंप को ढक भी देना है क्योंकि ये आपकी आंखों के लिए बहुत खराब होता है, स्किन के लिए भी, इससे हमेशा बचे रहें। और बाकी ये रहा, ये एक वायर बचा, ये है आपका वाल्व एसबी, एसबी है ये, तो हम इस पे एक एसबी कनेक्ट कर देते हैं। देखिए ये है एक एसबी,
इस पे हम एक एसवी लगा देते हैं, ये एसवी लगा, बस अब हम इसे रख देते हैं। तो इतना कनेक्शन आपको करना है, पहला क्या है पावर का कनेक्शन देना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक तो एलईडी है और एक ये फ्लोट है और एक बच गया है देखिए ये वाला, ये है एलपीएस लो प्रेशर स्विच, इसको आपको शॉर्ट कर देना है नहीं तो पीसीबी स्टार्ट नहीं होगा। इसको शॉर्ट करने के लिए इस तरह मैं इसमें चिमटा लगा दिया, देखिए चिमटा लग गया तो ये शॉर्ट। ये एलईडी है, ये रेड वाला एलपीएस है शॉर्ट कर दिया हमने, और ये वाला स्विच है इसको भी शॉर्ट करना है आपको। और बाकी रहा ये वाला, इसमें से जो ब्लू वाले हैं और ये ऑरेंज वाले हैं ये दोनों यूवी लैंप हैं, और ये जो रेड और ब्लैक है ये वाला आपका एसवी है, बल्ब का तार है जिसे हमने एसवी पे लगाया हुआ है देखिए यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना कनेक्शन करने के बाद आपको पावर देना है, तो हम पावर दे के देख रहे हैं, देखिए ये हमने पावर दिया तो क्या हो रहा है, देखिए रेड पहले आया फिर ब्लू आया, अब देखिए ये स्टार्ट भी हो गया बंद हो गया, देखिए क्या हो रहा है, ये इसमें सिम्टम क्या आ रहा है कि स्टार्ट हो रहा है बंद हो रहा है, देखिए कभी स्टार्ट हो रहा है कभी बंद हो रहा है, देखिए कांस्टेंट होना चाहिए ब्लू को, ये स्टार्ट हो रहा है बंद हो रहा है नहीं आ रहा है, देख सकते हैं आप क्या फॉल्ट हो रहा है। पहले देखिए फिर से देखिए, ब्लू स्टार्ट हो गया कांस्टेंट, अब ग्रीन में फॉल्ट आया, फिर से रेड आ गया, मतलब ये कांस्टेंट होना चाहिए किसी एक लाइट पे, अगर ये ठीक होता है तो ब्लू लाइट आपका ब्लिंक करना चाहिए कंटिन्यूअसली, जो इसका फ्लो होता है देखिए तीनों लाइट एक के साथ चल रहे हैं बुझ रहे हैं, मतलब इसमें फॉल्ट है जो आउटपुट में प्रॉपर नहीं आ रहा है। हम यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज भी चेक करते हैं, ये है आपका मीटर, ऐसा आपको मीटर चाहिए, और इसको हम लगाते हैं 200 वोल्ट पे, और यहाँ पे हम देख लेते हैं वोल्टेज, एक मिनट इसको थोड़ा हम घुमाते पहले, इसे पावर दिया और इसको चेक करते हैं वोल्टेज आउटपुट कितना है, ये वाली वोल्टेज देखिए ये 11 वोल्ट आ रहा है आउटपुट में, थोड़ा होल्ड करते हैं, प्रॉपर वोल्टेज तो है यहाँ पे आउटपुट में, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, लेकिन ये लाइट को कांस्टेंट होना चाहिए जो नहीं हो रहा है, देखिए थोड़ा वोल्टेज फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत हो रहा है जब लोड आ रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं हो रहा है, देखिए तीनों लाइट वोल्टेज तो ठीक लग रहा है लेकिन ये तीनों में से कोई एक कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं हो रहा है, तो हमें हम क्या करते हैं, पहले जो हमें फॉल्ट आंखों से दिखा है उसे पहले सॉल्व करते हैं, क्या जो ये हमें एबनॉर्मल दिखा ये वाला, ये कैपेसिटर एबनॉर्मल दिख रहा है, हम इसे चेंज कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको खोल लेते हैं, इसे हमने निकाल दिया,
यहाँ पे एक नया पीसीबी लगा देते हैं। हमारे पास ये एक एसएमपीएस पड़ा हुआ था, इसमें से हम निकाल लेते हैं। ये अच्छा एसएमपीएस है, नया वाला है, ये ज्यादा दिन पुराना नहीं है। ये वाला हमेशा नया ही कोशिश करें लगाने के लिए, पुराना न लगाएं, क्योंकि ये नया पीसीबी था मेरे पास तो इसमें से खोल दिया मैं। तो जो पीसीबी पुराना हो गया है उससे कभी खोल के ना लगाएं, क्योंकि वो फॉल्टी होगी आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस पे तो मैं लगा रहा हूँ। आप हमेशा नया ही लगाएं मार्केट से खरीद के। और अगर आप मुझे भेजना भी चाहते हैं पीसीबी तो मुझे भेज सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझसे व्हाट्सएप पे आप चैट करें और बात करके मुझसे आप भेज सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं। ऐसे हमने लगा दिया। देखिए यहाँ पे आपको चेक करना है प्लस माइनस, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए प्लस सिंबल लिखा हुआ है, ये मार्किंग क्यों है ब्लैक में। देखिए नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, देखिए कैपेसिटर पे ये वाला नेगेटिव है, इधर कुछ साइन नहीं है, ये पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे प्लस भी लिखा हुआ है, लेकिन कॉमनली कैपेसिटर में आपको चेक करना है ये बार, ये है नेगेटिव, तो नेगेटिव को नेगेटिव की तरफ लगाना है आपको, नहीं तो ये अगर आप उल्टा करते हैं तो ये हीट होगा, हीट होके बस्ट हो जाएगा, क्योंकि पोलारिटी है इसका उल्टा हो गया तो ये हीट होके बस्ट हो जाता है। इसको हमेशा आपको चेक करना है लगाते वक्त, और हमेशा इस सर्किट पे आप ध्यान से काम करें, क्योंकि अगर कोई चूक हुई कहीं शॉर्ट अलग हो गया तो ये एक ही बार सारा पीसीबी जल जाएगा, क्या क्या खराब होगा आपको बाद में पकड़ में भी नहीं आएगा। इसलिए हमेशा बहुत केयरफुली काम करें। हमने सोल्डर कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये कैपेसिटर हमने लगाया। अब इसे हम चेक करके देखते हैं, उससे पहले ये एलपीएस को जो हमने खोला था उसको शॉर्ट कर लेते हैं। तो ये हुआ शॉर्ट, ये रहा एलईडी, अब हम इसे ऑन करके देखते हैं। तो ये हुआ ऑन, तो पहले लाल आया फिर ब्लू आया, ब्लू अभी कांस्टेंट है, और ग्रीन ब्लिंक कर रही है। देखिए मतलब इसमें क्या है, ये तीन जो लाइट्स हैं इसमें एक है पावर, ब्लू वाली पावर है, और ये वाली है फिलिंग, टैंक फिलिंग, और ये वाली है फॉल्ट इंडिकेशन। अगर कोई फॉल्ट आता है तो ये जलेगा, ये है पावर लाइट ब्लू वाली, और ये है आपका टैंक फिलिंग, क्योंकि ये ब्लिंक कर रही है। अभी हम देखते हैं एसवी, देखिए ये एसवी है, एसवी पे पावर आ जाना चाहिए, एसवी पे हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये है एसवी, मीटर पे हम देखते हैं, देखिए 9.8 वोल्ट, मतलब एसबी ऑन है, इस पे वोल्टेज आ गई, मतलब पीसीबी रेडी, और यूवी लैंप भी जल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यूवी लैंप जल रही है, ये वाली ब्लू ब्लू दिख रही है, इसे हमने हमेशा ढक के रखा है, रखना चाहिए इसे हमेशा, आप भी जब काम करें तो ढक के रखें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पीसीबी तो रेडी हो गया और इसमें कुछ ज्यादा इश्यू नहीं है, ये टैंक फिलिंग का लाइट है। चलिए हम इसे चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं, ये जो फ्लोट का हमने शॉर्ट किया था तो इसे हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखिए ये कांस्टेंट हो जाएगा, वाल्व ऑफ, ये कांस्टेंट, वाल्व पे वोल्टेज देख लेते हैं, देखिए चला गया होगा, अभी नहीं आएगा, वाल्व पे वोल्टेज नहीं है, जीरो, मतलब ये अभी टैंक फुल दिखा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम फिर से इसको शॉर्ट करते हैं, तो ये हुआ शॉर्ट। अब देखिए ये वाला फिर से स्टार्ट हो जाएगा, यूवी लैंप अभी ग्लो नहीं कर रहा है, देखिए स्टार्ट होगा अभी यूवी लैंप, क्योंकि हमने देखिए ये ब्लिंकिंग यूवी लैंप हुआ और ये वाला ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गया, मतलब पीसीबी स्टार्ट हो गया।
एसवी पे वोल्टेज देख लेते हैं फिर से। तो एसवी पे वोल्टेज आया, एसवी पे वोल्टेज आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 10 वोल्ट, 9 पॉइंट समथिंग 10 वोल्ट यहाँ पे आता है, देखिए 10 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पीसीबी रेडी हो गया। इसमें और कुछ फॉल्ट हमें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये काम कर रहा है प्रॉपरली, टैंक फिलिंग भी काम कर रहा है, टैंक फिल दिखा रहा है, पावर लाइट आ रही है, कांस्टेंट हो रही है। पहले क्या होती थी, ये ब्लिंक कर रही थी, पहले रेड फिर ग्रीन येलो ऐसे ब्लिंक हो रही थी, यूवी लैंप भी जल नहीं रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका वीडियो हमारे इस पीसीबी पे, एस्टर, नियो, विक्टर और रीगल। इसका यूवी मॉडल है, ये आरओ वाला नहीं है कंट्रोल बोर्ड, ये यूवी कंट्रोल बोर्ड है विद फ्लोट सेंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पे हमने ये वीडियो बनाया, ये सॉल्यूशन किया और हमें मिला क्या, ये कैपेसिटर खराब। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था एक छोटा सा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक करें, जरूर कमेंट करें, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी करें, और अगर कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय।